सो अभी फिलहाल जो मेरे दिमाग में एक शैतानी आइडिया था, वो आइडिया ये था कि इसको जो है इतने सारे पग से मिलवाना है, और ये देखो चलो इसको बीच में छोड़ते हैं और देखते हैं इतने सारे पग्स में कौन क्या इसका हल करता है। ये भैया खुद की ब्रीडिंग है या? ये मदर है, इसको निकाला है इसको वापस ले जाने के लिए घर पे, और ये देखो अपने रेस के रिलेटिव्स हैं सारे के सारे। ओए पीछे पड़ गए इसके। ओए 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 ओए, इनका जो स्टैंडर्ड है, इनकी जो जजिंग होती है वो इस बिहाफ पे होती है, ये इनका स्टैक होता है। भैया ने इनका नाम रखा हुआ है जय और वीरू। जय कौन सा भैया? ये बता यार, ये जय और वीरू यार। Yo, what's up everybody, क्या हाल चाल। सो सबसे पहले तो विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सो ये मेरी न्यू ईयर की पहली वीडियो है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। और आपको ना, जैसे आपने मेरे को 2020 में प्यार दिया, आपने वैसे मुझे 2021 में प्यार देना है, और इस वीडियो को यार इतना हिट कर देना कि मज़ा आ जाए, ठीक है। सो आज का जो व्लॉग है, बेसिकली अभी मैं लेकर चला हूँ हमारे शरारती बच्चे ओरियो को। ओरियो सबको हैप्पी न्यू ईयर को, ओरियो सबको हैप्पी न्यू ईयर को, हैप्पी न्यू ईयर बोलो सबको। तो सबको ये आया तेरे लिए न्यू ईयर पे, ये देख। तो आज मैं ओरियो को लेकर चला हूँ एक ऐसे कैनल पे जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पग हैं, और करनाल में ये कैनल है। तो अभी वहाँ जाकर सारे कैनल की डिटेल बताता हूँ। एक तरीके से मैं आज ओरियो को लेकर चला हूँ उनके रिश्तेदारों के पास। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये देखो आज बहुत टाइम के बाद जो है जॉर्डन इससे मिलने आया है, तो अभी जॉर्डन की एक प्रॉपर पूरी वीडियो बनाएंगे बहुत जल्दी। सो अगर आपको वीडियो चाहिए तो बता देना कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी, ठीक है। सो फिलहाल अभी मैं पहुंच गया हूँ भैया के कैनल पे, और बिट्टू गौर जो है, बिट्टू गौर कैरेना पग्स के नाम से, यू नो इनकी फेसबुक आईडी भी है। ये जो है बहुत ही बेहतरीन ब्रीडर है, पग के स्पेशल पग में है, और अभी मैं इनसे मिलवाता हूँ और इनके बारे में आज बहुत सारी बातें करेंगे। और मैंने अभी ओरियो को फिलहाल इस केज के अंदर कर दिया, क्योंकि ओरियो जो आपको पता है इतने सारे डॉग्स को देख के शरारते नेक्स्ट लेवल कर सकता है। कैसे हो बिट्टू भैया, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो सबसे पहले तो मैं बता दूं भैया के बारे में, भैया जो है बहुत टाइम से ब्रीडिंग कर रहे हैं। भैया ऑलमोस्ट कितने ईयर्स हो गए आपको ब्रीडिंग में? 96 से स्टार्ट किया। वाओ क्या बात है। तो भैया अभी सिर्फ जो है सिर्फ पग की और शिट्ज़ू और लैब्राडोर, राइट, ये तीन ब्रीड की जो है ब्रीडिंग कर रहे हैं। और इनका जो बेसिकली जो ये लोकेटेड है वो है करनाल में, हरियाणा के अंदर लोकेटेड है। तो मैं आज यहाँ पर आया हूँ, और भैया आप हमारे को सबसे पहले तो अपने कुछ डॉग्स दिखाइए जो कि बेसिकली चैंपियनशिप्स में जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे विनिंग की हुई है। तो भैया जो है करनाल कैनल क्लब जो KCIE रजिस्टर्ड है उसके जो है सेक्रेटरी हैं। तो बेसिकली जो करनाल कैनल क्लब डॉग शो होता है तो उसकी सारी जो निगरानी आती है वो भैया देखते हैं, देखभाल करते हैं। तो ये आया भैया का पग, क्या शरारती एक। सो ये देखते हैं जो पग जो है इनको अगर हम शो में लेकर जाते हैं तो इनका जो स्टैंडर्ड है, इनकी जो जजिंग होती है वो इस बिहाफ पे होती है, ये इनका स्टैक होता है। वाओ वाओ, देखो ये इसका स्टैक होता है इनका कुछ इस तरीके से। जर्मन शेफर्ड का अपना अलग स्टैक है, लैब्राडोर का अपना अलग स्टैक है, पग जो है वो कुछ इस तरीके से स्टैक इनका लगता है। वाओ, अगर एक पग का पपी है हमने, यू नो या बड़ा पग है, उसको हमने जज कर, यू नो जज इन सेंस अच्छी क्वालिटी का है, शो में हम उसको एग्जिबिट कर सकते नहीं, तो वो क्या आप पैरामीटर्स पे आप उसको जज करना चाहोगे? हेड, बॉडी, मतलब टेल, डबल से तल होना चाहिए। ओके, तो स्ट्रक्चर बेसिकली आप थोड़ा समझा सकते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर हमें देखना है अगर कोई एक नया यू नो डॉग लवर है, उसने डॉग पपी ले रहा है? तो भी बॉडी हो, ओके, हेयर हो, ओके, मतलब जो अगली लेग्स हैं वो अगले शोल्डर के नीचे हो, ओके, पिछली पिछले के नीचे हो, बिल्कुल स्क्वायर आगे की दोनों आगे देखो। तो ये देख रहे हो, ये चीज़ भैया समझाना चाहते हैं, ये चीज़ इस तरीके से हो, वो चीज़ उस तरीके से हो। और ये जैसे कुछ पग्स में बेसिकली क्या होता है भैया, जब पपी होता है तब तो वो बहुत सुंदर दिखता है, जब वो बड़ा होता है उसके कान खड़े हो जाते हैं और उसका मुंह कुछ अलग तरीके से निकल जाता है, तो वो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, एयर फ्लाई तो इनमें भी हो जाते हैं। ओके, उसके लिए टेपिंग है, टेपिंग आपको करनी पड़ेगी जब टीथ आते हैं। ओके, तभी एयर फ्लाई करते हैं। ओके, क्या बात है, उसके लिए टेपिंग आपको करनी पड़ेगी, इनमें भी करते हैं हम। ओके, तीन चार महीने के बाद टेपिंग करनी शुरू कर देते हैं। ओके, तो वो नेचुरल है, वो चीज़ नेचुरल है। ओके, स्टार्टिंग मेरी इसी से है। तो ये ब्रीडिंग जो है भैया ने खुद अपनी घर की जो ब्रीडिंग स्टार्ट की थी वो इस फीमेल से की थी। तो ये 5-1 साल की होगी भैया? वाओ, तो ये ऑलमोस्ट 5 साल की फीमेल है, और इससे भैया ने आगे, भैया इसके पपीज अब आपने जो तैयार कर रहे हैं। वाओ क्या बात, ये जो कैदी है ये जेल तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ओए
जेल तोड़ने की कोशिश कर रहा तू, तोड़ लेगा तो फिर नाखून ही खराब करेगा क्या? हाँ तो ये उसकी जो है बेसिकली सेम ही यू नो बहन है, सगी बहन है उसकी। वाओ, ये भी चैंपियन है, क्या बात है भैया। तो भैया ऑलमोस्ट आपके पास सारे डॉग्स ही चैंपियन ही हैं, है ना? सारे डॉग शोज में जीते हुए चैंपियन है। और इसकी आप नोज देखना, अभी इनकी नोज मैटर करती है, राइट? तो ये देखो, ये है उसी की रियल सिस्टर। और अगर आप देखोगे नॉर्मल पग, एक जो हम नॉर्मल क्वालिटी का पग कहते हैं उनकी, भैया पीठ में जो है वो कुछ ऐसे ऐसे होता है, कर्व होता है, राइट? हाँ, अगले विदर्स हाई हूँ और बैक थोड़ी नीचे होनी चाहिए, राइट? वो गलत है, जो कर्व होता है वो गलत है। ओके भैया, पग ब्रीड में हेल्थ इश्यूज है कुछ, आपको क्या लगता है? आपने इतने टाइम से पग रख रहे हैं आप, हेल्थ इशू जो इनब्रीडिंग में है उसमें हेल्थ इशू ज्यादा आएंगे अगर वो इनब्रीडिंग कराएगा। ओके, उसमें हेल्थ इशू ज्यादा, इनब्रीडिंग इन सेंस पेरेंटल ब्रीडिंग, राइट? कि आप मदर पेरेंट को क्रॉस, मतलब मदर और सन को क्रॉस करा रहे हो, कुछ इस टाइप के इशू ज्यादा आएंगे। ओके ओके ओके, बाकी अदर वैसे क्या बेसिक क्या इशू रहते हैं इनके? बेसिक मेरे पास तो कोई इतनी प्रॉब्लम है नहीं, बट वैसे आपने जो लोगों से सुना है या आपको एक्सपीरियंस किया, आईज में आ जाती है इनकी प्रॉब्लम, 3-4 साल के बाद थोड़ा दिखना कम हो जाता है। ओके ओके ओके। भैया का ये जो है ब्लैक कलर का पग है और ये भी चैंपियन है, क्या नाम है भैया इसका? मैक्स। क्या बात है मैक्स, तो उसके उसको देखना, उसका रिएक्शन देखो, उसको देख के मैक्स। तो भैया भैया आपको नहीं लगता आपके पग ज्यादा शांत है कंपेरेटिवली उससे? है ना, शांत है, राइट? यार ये तो खून में दिक्कत है भाई इसके तो। सही बात है, बहुत तंग करता है वो, बहुत ज्यादा, तो देख रहा हूँ वो भी शांत नहीं हो रहा। ओए वाओ। तो भैया जैसे कुछ पग के ब्लैक पग के चेस्ट पे व्हाइट हेयर्स होते हैं, राइट? वो पैच के जिसको हम कह देते हैं, तो वो KCI में वैलिड है? वो नेचुरल है, राइट? नेचुरल। ये जो मैक्स है इसके भी चेस्ट पे हल्के हल्के वाइट हेयर्स है, राइट भैया? इसको उठाना एक मिनट, इसको ये देखना, ये देखो इसके चेस्ट पे भी आप देख रहे हो ये ऐसे वाइट कलर के जो है मार्क है। हेलो मैक्स, हेलो हेलो। ये जो है इसका नाम है टेडी, और अभी भैया इसको जो है, भैया जो डॉग शो में था वो कुछ इसी तरह से स्टैंड पे ही हमें एग्जिबिट कर रहा था, राइट? पहले टेबल पे स्टैंड करके फिर नीचे। ओके 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 ओके, वाह क्या बात है, गुड बॉय। तो इसकी एज कितनी बताई थी आपने भैया? 10 months। वाह, तो अभी इसको नेक्स्ट ईयर ही आप शो में करोगे जब डॉग शो होंगे? शो होंगे नहीं, नेक्स्ट ईयर ही प्रॉब्ली। ओके ओके ओके, बॉय अभी तो 10 months का है ना ये 10 महीने का है, ये जब आया था इतना सा था, और ये तो चलो इसका तो अलग ही लेवल है ब्रो। वाओ, ये अभी और पग निकल के आया, पग ही पग निकल रहे यहाँ तो। ये देखना। ओए हेलो। सो अभी फिलहाल जो मेरे दिमाग में एक शैतानी आइडिया था, वो आइडिया ये था कि इसको जो है इतने सारे पग से मिलवाना है। और ये देखो, अरे भाई किधर जा रहा है, रुक जा, चलो इसको बीच में छोड़ते हैं और देखते हैं इतने सारे पग्स में कौन क्या इसका हल करता है। अलग दिख रहे हैं उसका, वो देख रहे हो, वो देखो वो पड़ गए सारे दूसरे के। नाइस नाइस, बख्शो मत इसको, आज इसको इसकी नानी याद दिलाओ भाई, पता तो लगे इसको भी इतनी शरारतें करके हमारे को तंग करता है। सो ना ही सिर्फ पग, भैया के पास लैब्राडोर भी है, भैया लैब्राडोर की ब्रीडिंग भी कर रहे हैं। तो अभी एक पपी भैया निकाल कर आए हैं। तो भैया आप जो लैब्राडोर है बेसिकली शोज के लिए ही ब्रीड कर रहे हैं, राइट? शो क्वालिटी ही हम जिसको कहते हैं। तो ये है भैया का एक लैब्राडोर का पपी। भैया कितने टाइम का पपी है ये? 2 months। हाँ जी, 2 months का। वाओ क्या। तो भैया आपको अगर किसी ने रीच करना है, ठीक है, चाहे वो पपी के लिए हो, चाहे उसने डॉग फीमेल को अपने मेट कराना हो, तो आपको किस थ्रू रीच करे? तो मैं जो है भैया की फेसबुक आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप भैया को वहां पर जाके फॉलो करना है और वहां पर ही आप भैया से डिटेल्स पूछ सकते हैं। तो प्लीज भैया को ज्यादा तंग मत कीजिएगा, अगर आपकी कोई सीरियस क्वेरी है तभी आप भैया तक रीच करिएगा, वरना अपना और भैया का टाइम बिल्कुल मत वेस्ट कीजिएगा। जेल तोड़ने की फिर से एक और नाकाम कोशिश। भाई अभी तो तुमसे मिल के आया अब तो फिर, हाँ कैसे हो सभी के सभी? ओए देखो ऊपर से कैसे दिख रहे हैं सभी के सभी शैतान पग, और वो हमारा ओरियो। और अभी मैं आपको दिखाने आया हूँ भैया ने यहाँ पे जहाँ पे अपने लैब्राडोर का सेक्शन बनाया हुआ है। ओए ये अग्रेसिव तो नहीं है भैया? नहीं नहीं नहीं,
ये भैया खुद की ब्रीडिंग है या? वाह ये मदर है, ये तीनों इनकी डॉटर है। वाह क्या बात है। ये सनी कोचर का था ब्रूनो मार्स, ये येलो फीमेल है। ओके सनी कोचर का सुल्तान। ओके ओके सनी कोचर की लाइन से ही है सारी। वाह को निकाला इसको वापस ले जाने के लिए घर पे। और ये देखो अपने रेस के रिलेटिव्स हैं सारे के सारे। ओए पीछे पड़ गए इसके। ओए 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 केज को भी नहीं छोड़ रहे। तो सो अभी हम आ गए हैं भैया के घर पे। तो अभी फिलहाल ना यहाँ पर जो है पग के पपीज हैं, मैं वो आपको दिखाता हूँ जो कि भैया की खुद की ब्रीडिंग के। भैया आपके खुद की ब्रीडिंग के है? तो कितने टाइम के होंगे पपी ये? 40 डेज के हैं। वाह 40 डेज के। तो अभी पपी मेरे सामने है तो मैं आपको अभी आपको ये पपीज दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा हेल्दी है। सो ये देखो इसको कहते हैं पग। रियलिटी में एक जो पग का स्टैंडर्ड है ना, जो क्वालिटी पग होता है वो यही होते हैं। राइट भैया? सो आता है यार ये देख रहे हो इसको। ओरियो को देखो, इनको इनका थोड़ा रिएक्शन देखना। ओरियो भाई तू तो इतना सा था, इतना सा ये तो बस। तो भैया ये जो है आप फॉर सेल के लिए हैं पपीज या अभी? नहीं ये खुद ही रिटेन किए हैं फिलहाल। तुम okay. बड़े करके ही सेल करता हूँ। वाह क्या बात है। तो आप कितने एज तक सेल करते हो भैया? 3 मंथ के बाद। तो मोस्टली कितनी प्राइसिंग आप स्टार्टिंग कितनी है? प्राइसिंग हाई रहेगी। नहीं आई नो, बट अगर देखो मैं नहीं चाहता कि अगर कोई रीच करता है आपसे जिसका बजट हो वही रीच करे, मैं भी यही चाहूंगा। तो आप मुझे कुछ आइडिया दे दीजिए। 1 लाख तक मतलब 50,000 आपकी स्टार्टिंग है और 1.5 लाख तक भी क्वालिटी है एंड उसकी जितनी भी जो रही। वाओ क्या बात है। सो यार दिस इज व्हाट वी कॉल अ पग। भैया ने इनका नाम रखा हुआ है जय और वीरू। जय कौन सा भैया? ये बता यार जय और वीरू। यार मेरा मन कर रहा है कि ओरियो को दे दिया जाए और इनमें से एक को उठा के लेके जाया जाए। सो विद दैट करते हैं हम आज के व्लॉग का एंड। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और 2021 में तैयार रहेगा, हमने धूम मचा देनी है। ठीक है सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तले मैंने जाने अनजाने में दिल है दुखा है तो हाथ जोड़ के माफी है दोस्त। आज तुम लोग की वजह से दिन है आया जो प्यार।